रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। हमारे साथ आज हरियाणवी कवि त्रिदेव दुग्गल का आप सभी ने नाम सुना होगा, क्योंकि अपनी कविताओं से लगातार सुर्खियों में रमे हैं और वो आज हमने मिल गए उनसे जानेंगे इतनी दूर से वो फतेहबाद में आज क्यों आए हैं। त्रिदेव दुग्गल जी, रियल न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई। तो आज आप फतेहबाद के अंदर आए हैं, यहाँ पहुँचने का क्या कारण है? देखिए, मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हूँ। पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा का अनुयायी हूँ और उनके पावन निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में 138 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। उन्हीं में से एक काम है पक्षियों के लिए दाना, चोगा, पानी का इंतजाम करना। और ये जो महीना है, ये मेनली जो परम संत मस्ताना जी महाराज हैं, उन्होंने डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी थी और इसी दिन जामे इंसा की शुरुआत हुई थी 29 अप्रैल को। तो ये पूरा महीना उसी उपलक्ष में खुशियों को समर्पित होता है, संगत धूमधाम से मनाती है। आज भी यहाँ आप देख रहे हैं मनाया जा रहा है। तो आज भी 38 जो 138 मानवता भलाई के काम है, उनमें से ये काम सात संगत पुरजोर ढंग से करेगी। पक्षियों को दाना चौगा का इंतजाम करने का जो है, उसके लिए प्रेरित करेगी संगत यहाँ सबको। तो उसी उपलक्ष में ये नाम चर्चा है, समारोह मनाया जा रहा है, स्थापना दिवस समारोह। तो उसी उपलक्ष में नाम चर्चा है, हम पहुँचे हैं, हमारा सौभाग्य है। तो इतने लोग पहुँचे हैं, मंडी बिल्कुल खचाखच भरी है, तो क्या कहेंगे आपके जो गुरु हैं डेरा मुखी, वो सुनारियाँ के अंदर सजा याफ्ता ही हम कहेंगे, सजा याफ्ता है, लेकिन उसके बाद भी इतने लोग इकट्ठा होना? देखिए, डेरा सच्चा सौदा की जो संगत है ना, वो अपने आप में बेजोड़ है और उसको कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे वो मीडिया ने कोशिशें की हो या कुछ एक शरारती आंसर है, उन्होंने भी बेइंतहा कोशिश की, जितना भी उनसे बन पाया, तरह तरह के उच्चे हथकंडे अपनाए गए। बट ये डेरा की जो संगत है ना, ये मानवता भलाई के कामों से कभी पीछे नहीं हटने वाली। चलो कोई नहीं, वो मतलब समय की मांग है या समय के हिसाब से, जब जब इस धरती पे संत पीर फकीर आए, उन्होंने अच्छे काम करने की कहीं ना कहीं बीड़ा समाज में उठाया, तो उनके विरोधी लाजमी हुए हैं, आज भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की संगत का अपना एक उदाहरण है, ये कभी पीछे नहीं हटती। तो एक शॉर्ट टर्म मैसेज पे ये कल ही सबको बताया गया था कि यहाँ नाम चर्चा है और इस शॉर्ट मैसेज पे यहाँ पहुँचे हैं सब। सर, आप बार बार मीडिया पे आरोप लगाते हैं, लेकिन जो फैसला है वो कोर्ट ने सुनाया है, कानूनी तरीके से डेरा मुखी पर जो इल्ज़ाम सिद्ध हुए हैं, लेकिन बार बार आप मीडिया को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, मीडिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं हम, पर ये देखा गया, आप किसान आंदोलन की बात लीजिए, चलो डेरा को आप छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, आप जैसे जो लोकल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से दिखाया, बट ज़्यादातर है ना बनावटी ही चीज़ें थी, काल्पनिक चीज़ें थी, ओरिजिनल कहीं ना कहीं नहीं दिखाया गया। अब आप डेरा के मुद्दे पर अगर बात करें, हनीप्रीत क्या करती है, हनीप्रीत का क्या मसला है क्या नहीं, वो मीडिया ने बेवजह दिखाया, असली जो मुद्दा था वो नहीं दिखाया गया। आज भी किसी को पता है कि किन लड़कियों की वजह से सजा हुई, कौन वो लड़कियां हैं, कोई सामने लेके आया है मीडिया वाला आज तक? ठीक है, तो मतलब मीडिया पे आरोप लगने लाजमी है, कोई नई बात नहीं है, और भी मुद्दों पे मीडिया कहीं ना कहीं अपना स्तर गिरा चुकी है। तो क्या मानते हैं जो डेरा मुखी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं? डेफिनेटली बेबुनियाद है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी ये पहला स्टेप ही है, कानून के और दरवाजे बहुत सारे हैं, खुले हैं और वहाँ पे चैलेंज किया गया है, और निश्चित तौर पे पूजनीय गुरुजी को मतलब जो बरी किया जाएगा और वो दोबारा से हमारे बीच होंगे। तो आप देख सकते हैं त्रिदेव दुग्गल जी हमारे साथ थे और इन्होंने जो हमने सवाल पूछा था वो हर सवाल का इन्होंने जवाब दे दिया है और लगातार ये अपनी कविताओं से सुर्खियों में रहते हैं और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी भी हैं। जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं राम रहीम सिंह, उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं इन्होंने वो बेबुनियाद बताए हैं, तो देखते हैं वो कब तक बरी होते हैं। तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।